ये रियांग यानी ब्रू जनजाति के लोग हैं, जो पूर्वोत्तर की जनजातियों में से एक है। हमारे संविधान में इन्हें त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों में से एक का दर्जा प्राप्त है। बीते 23 वर्षों से त्रिपुरा में विस्थापित जीवन जी रहे ब्रू जनजाति के लोग कभी मिजोरम में रहते थे, लेकिन 1997 में हुए जनजातीय संघर्षों के कारण इन्हें मिजोरम छोड़ना पड़ा। आंतरिक विस्थापन का दंश झेलते झेलते इनकी एक पीढ़ी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। आखिरकार भारत सरकार ने इन्हें त्रिपुरा में ही बसाने का फैसला लिया है। इससे 2 दशक बाद ही सही इन्हें पहचान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब विस्थापित ब्रू मिजोरम के नहीं बल्कि त्रिपुरा के निवासी हो गए हैं। ब्रू समुदाय को उनका हक दिलाने में लोकसभा टीवी की टीम ने अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाई। 21 वर्षों की इनकी जद्दोजहद को संभवतः पहली बार किसी राष्ट्रीय टेलीविजन के कैमरे ने कैद कर पूरे देश को उससे रूबरू कराया। राष्ट्रीय चैनल जो पढ़ते हैं वो लोग ऐसा मुद्दा पकड़ते हैं जो जिससे उनका TRP में असर होता है या उसका जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्व है, जैसे कि रोहिंग्या वाला जो इशू है या कुछ आपका कोई पाकिस्तान साइड से कोई रेफ्यूजी का इशू है, उसको तो बहुत बड़ा से वो लोग उठा देता है, लेकिन ब्रू इशू है, जो रियांग का इशू है, ये सब उठाते नहीं हैं। तो उसमें लोकसभा TV ने जा कर के इस कठिन परिस्थिति में आपने वहाँ कवर किया, लोगों से बातचीत किया, ये तो सराहनीय बात है। लोकसभा TV ने बहुत अच्छा काम किया।